बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान नज़ीर। मैं हूं उनकी वाइफ। वेलकम टू आवर चैनल डेली फैमिली व्लॉग। अगर अभी तक आपने नमाज अदा नहीं की तो पहले आपने नमाज अदा करनी है और साथ साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक भी पढ़ना है। और इसके साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना है। तो जी, जी कैसे हैं आप सब लोग? जी आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं, खाओ खाओ आवाज़ से भी आपको फील हो रहा होगा कि काफ़ी तबीयत इसकी ख़राब है। स्कूल से अभी आए हैं तो बस स्कूल में भी कह रही थी कि बस अब गिरने वाली हूँ मैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी गिरो वो ना, ना हम घर ही मौसम जा रहे हैं। चेंज हो रहा है तो उस मौसम चेंज होने की वजह से जो है ना काफ़ी एलर्जी सी हो जाती है, जुकाम, गला खराब हो रही है। हालांकि कुछ दिन पहले तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी तो जी ऐसे काफ़ी लगा मुश्किल कुछ से हुआ। ठीक हुई है, लेकिन वो बच्चों को था ये मामला, खांसी वाला, फीवर वाला, तो अब शायद फिर रिपीट हो रहा है इसे। इम्यूनिटी वीक हो जाती है ना बंदे की, बस ये बात है। और बस ऐसे ही तबीयत बहुत खराब है आज। और आप बताएं कैसे हैं? ये नया सूट पहना आज, ये देखें। हाँ जी सैश, को प्यार फर्क है, कोई नहीं दवाई खाती है। नहीं यार, चक्कर बड़े ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। हिम्मत ही नहीं है कपड़े चेंज करने की ना, घड़ी भी उतार रही है। दिमाग इतना धड़का रहा है, बहुत चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं तो चल, चक्कर देने वालों को आज चक्कर कैसे आ गए। बस आ जाते हैं कभी कभी चक्कर देने वालों को भी चक्कर। चल फिर दवाई ले आए। यार हिम्मत नहीं है, हिम्मत लेने है कि नहीं, आप से लेने तो है कि अब इधर ही कमरे में पड़े रहना है। मैंने लेटन दो वो घड़ी आके लेट जाए ना। लेटन की यार, नहीं तो ये खराब है ना, मैं अंदर ना लेटन ना पे। चल आ जा, चलिए चलो फिर। चल आ वैसे भी जा। मेरा ऐसा लगता पे आज मैं अजीब जाना, बस बहुत बेहतर है। छुट्टी होने लेनी चाहिए इसको। चलें जी, इंशाल्लाह अभी दवाई लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उसके बाद की बातें, अल्लाह करे इससे आराम आ जाए, उसके बाद दूसरे की को बातें पहनी आपसे है शेयर अभी? करते हैं। ये ठीक है, दूसरे क्यों पहनने हैं। ओके ये देखें जी, ये रिपोर्ट्स करवाई हैं आज हॉस्पिटल से होके आए हैं। तो बात तो पहले इतनी मुझे लग रही थी कि कोई मसले वाली बात नहीं है। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि कोई इतनी खास मसले वाली बात नहीं है। स्कूल से आते सारी थोड़ी देर रेस्ट किया, कुछ खाने को भी नहीं दिल किया तो चले गए। लेकिन वो वाकई बात ना मसले वाली थी। वो करवाया अभी जो है ना, टेस्ट करवाए हैं ब्लड के, बाकी भी टेस्ट करवाए हैं। तो उसमें टेस्ट में यही आया कि जो है ना खून की बहुत ज़्यादा कमी है, अनीमिया जैसे बोलते हैं वो हो रहा है। और मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो भी ओ नेगेटिव है, तो वो आपको पता है रेयर है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। डॉक्टर ने काफ़ी डांटा है, डॉक्टर ने बोला है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और मैं हालाँकि डाइट वगैरह ठीक ले रही हूँ, खा पी भी ठीक रही हूँ। तो अब उसने यही बोला कि 7 HB आया है, और 7 HB आपको पता है काफ़ी लो होता है। तो बस अभी डॉक्टर ने यही कहा है कि यहाँ तो अब वो एक होती हैं ड्रिप्स, वीनोफर बोलते हैं उनको, आयरन के लिए वो लगाया जाता है, आयरन डेफिशिएंसी के लिए वो लगवाएं। मैंने कहा थोड़ी देर बाद किया तो मुझे सांस चढ़ गया, तो वो लगाएं। और जो है ना साथ अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें ना, कि जूसेस वगैरह सारा कुछ पी रही हूँ। लेकिन एलर्जी भी हो गई है, खांसी भी हो रही है, ज़ुकाम भी। वो तो उसने मेडिसिन कहा है कि नहीं लेनी कोई भी हार्ड, हल्की सी उसने बोला पैराडॉल लें, उसी से आप ठीक हो जाएंगी। तो बस दुआ कीजिएगा अल्लाह खैर खैरियत से सब कुछ बेहतर करे। जियानी आप क्या कर रहे हो? उल्टे काम, जो उल्टा काम है आपके पास है। ये नानो क्या कर रही हैं? ये मोबाइल देख रही हूँ। क्या हाल है तबीयत का? ठीक है अब आपकी तबीयत? बस ऐसे ही है, डॉक्टर ने बोला है कि खून की कमी बड़ी हो गई है, तो उसके लिए आपको जो है अच्छा ड्रिप्स लगवानी है। चलो, वो खुराक अच्छी खाओ ना, ये एप्पल का, केले वगैरह का जूस बना के पियो, इससे भी आराम आ जाएगा। अरे कमजोरी तो हो जाती फिर इंसान की, पोजीशन जब इस तरह की होती फिर होती है। क्या बना रही हैं आप? वो कुकर रखा हुआ है क्या? मैं बना रही हूँ चिकन बना रही हूँ। चलें शुक्र है अल्लाह का, मुझे बड़ी हाँ भूख लगी हुई थी वैसे भी। हाँ वो ना मैंने चिकन और आलू बना के साथ सफेद चावल बना लेते हैं, तो चलो बंदा कर लेते। तो मैं ये अपना चेक कर रही एलर्जी भी हूँ। बहुत हो गई है इतनी ज्यादा। ये क्या लेके आई ये हैं? मैं मीरा मेहंदी आई है, मेहंदी लगानी है ना, मुहर्रम के अब दिन गुजर गए हैं ना, तो मैंने कहा मेहंदी लगा बालों लेते में लगाने वाली है। हैं। हाँ बालों में ये नानो का वॉलेट है, देखे कितना प्यारा। और लगानी जियान है। ये तुमने सोफे के कवर के अंदर ना सुराख कर देना, ना करो बेटा, बाज आ जाओ, छोड़ोगे मुझे दे दो, मुझे दे दो, वेरी गुड, ये आँख में लग जाएगा पूरी बात। ऐसा काम नहीं करते कि जिससे नुकसान हो। आपके लिए चिकन बनाया है ना, उसकी अभी यखनी निकाल के देती, अभी मैं रखा हुआ है 2 दिन के। तो मैंने कहा तुम्हारी तबीयत भी नहीं सही, तो चलो मैं ये चिकन बना देती हूँ, जल्दी जल्दी से खाना बनाती हूँ ताकि तुम स्कूल से आओ तो खा लो। आज यार मेरा ये खत्म हो गया, यूट्यूब का करवा दो जरा मुझे, पैकेज लोड ना पैकेज करवा दो, यूट्यूब का ही करवा दो, यूट्यूब से मेरा लिंक होता है ज़्यादा, बाकी नहीं मैं देखती कुछ भी। तो चलो ये मैं करवा करवा दो देती जरा हूँ। मेरा, ताकि महीने मुझे वाला करवाना? महीने वाला करवा दो ताकि मुझे आराम दे बार बार। चलो उसमें ठीक, व्हाट्सएप भी आ जाएगा?
व्हाट्सएप का भी करवा दूंगी साथ ही, ऐसा ही करवाऊंगी जिसमें सारा कुछ चल जाए। चले जी, मुझसे ज़्यादा खड़े नहीं हुआ जा रहा, मैं ज़रा बैठ जाऊँ, रेस्ट कर लूँ थोड़ी सी। इसने फिर से सुई पकड़ ली, इधर लाओ ना ज़रा, इधर लाओ, एक चीज़ लेती हूँ तो दूसरी पकड़ लेता, अब ये चाबी पकड़ लिया इसने, आइज में लग जाएगी बेवकूफ़, पागल है ना, अब नहीं पकड़ना कुछ भी, कॉलर ठीक करो अपना और बुक्स ले कर तो बैठो, अब पढ़ाई करें। तो जी फाइनली डॉक्टर के पास से भी हो आए हैं, दवाई ले आए हैं, अभी देखें कपड़े वपड़े चेंज करके, वो मोहतरमा लेटी हुई हैं। सैश उठो, आंटी ने चाय बना के दी है, पियो। उठ पड़ो, उठ पड़ो, उठ पड़ो, उठ पड़ना, कोई बात नहीं, उठ पड़ो, उठ पड़ो, उठ पड़ो, शाबाश, उठ पड़ो ना, उठ पड़ो, उठ के चाय पी लो, चलो उठो, उठ पड़ो, उठ पड़ो। कपड़े किधर तूने हैंग कर दिए? नहीं जो नहीं मी अली देखें जी, अली पाची, अली कहता है अब नो नहीं थी हाँ जी, ये आप ये ना समझे कि प्यार है, मुंह काफी गर्म हो गया हुआ है। अली कैसा हुआ पेपर? दो बिस्किट ले आओ या 30 वाला ले आओ, एक क्या हुआ चावल, चावल और काफ रे दाल कर, दाल व दो और पी फिर मुल जीवन पायल पे, चलो 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 सब्जी खा लो, खा लो। सैरिश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, कल स्कूल गई थी तो वो झाड़ू देने वाली आया, इनकी झाड़ू दे रही थी तो ये इसको मैंने कहा कि मास्क वगैरह लगा लेने था, कहती अम्मी मास्क वगैरह तो लगाया था लेकिन फिर भी गर्द जो है ना कुछ ज़्यादा ही असर कर गई है, ऊपर से फिर ये परहेज़ भी नहीं करती कोई भी, तो बड़ी ज़्यादा तबीयत इसकी ख़राब हुई हुई है, अब नेबलाइज कर रही है तो अल्लाह करे उससे थोड़ा फ़र्क पड़ जाए और आराम आ जाए। तो हाँ तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, साथ बुखार हो गया, साथ फिर ये एलर्जी हो गई हुई है इसको, एक डॉक्टर ने बताया खून की कमी है तो दूसरा ये मुसीबत पता नहीं क्या। हाँ तो इस तरह की हालत में तो बंदा परहेज करता है ना, नहीं जादू जूदू कोई नहीं किया किसी ने, सत्य ही खैरा ने, लेकिन ये है ना कि थोड़ा सा खुद भी बंदे को अपनी जान का ख्याल रखना चाहिए। और हम नेबलाइज कर रही है तो उससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम अपने आप को परहेज़ करो क्योंकि ये जो हालत है ना इसमें औरत हर चीज़ कमज़ोर हो जाती है तो जल्दी हमला कर देती है बीमारी, तो हमारे लिए परेशानी का बाइस बनी हुई है ये लड़की, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रही इसकी बेहद रहती औलाद की। ये सिंपल सलाइन है और इसके साथ नेबलाइज करना है, नानो देख रही है टीवी जो आजकल वायरल न्यूज़ चल रही है प्राइम मिनिस्टर की, और इसके अलावा जनाब ये देखें ये सिंपल स्टाइन है, ये इसकी क्वांटिटी है, थोड़ी सी इस पर डालते हैं 1 से 2 cc, अब इसमें ये वाले ड्रॉप्स डालते हैं, डॉक्टर ने बोला था वेंटोलिन की बजाय ये नए जो ड्रॉप्स हैं ना ये इंजेक्शन की फॉर्म में है, ये कुछ कतरे डालने हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि मैं बीमार हुई हूँ तो साथ ही अली भी बीमार हो गया है, मामा के साथ साथ बच्चे को भी एलर्जी फ़ौरन ही हो जाती है, तो अली बड़ा खुश होता है नेबलाइज करवाने में, अली बड़ा फिट रहता है, अली खुशी खुशी नेबलाइज करता है, बिल्कुल तंग नहीं करता, ये देखें बहुत हैप्पी हैप्पी मूड में नेबलाइज कर रही हूँ मैं इसको, बड़ा खुश है ये। तो अब जियान की बारी, मैंने कहा जियान को भी कर देती हूँ, ये भी खांसी कर रहा है बहुत सारी, तो नेबलाइज मैंने इसको भी कर लिया, ये देखें आपको खांसी की आवाज़ आ रही होगी, अली की काफ़ी ज़्यादा खांसी लगी हुई है, इन सब को ही नेबलाइज से अच्छा हो जाता है, सही हो जाती है जस्ट, साथ साथ इनका पेपर भी पढ़ा लूँ, तो उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।